देखते हैं कि मेरे अंडे हटाना पड़ता है। देख लो ये अंडों का स्टॉक, देख लो भाई ये दो अंडे है भाई। ये गोली इस्तेमाल करने से मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे पास जितनी भी भाई जोड़े हैं सबके पास अंडे है, कुछ के पास भाई बच्चे है। क्योंकि ये जो टेबलेट है ना भाई गोली, ये बहुत ही अच्छी गोली है। आपके पास कभी परेशानी आ रही है कि आपके कबूतर अंडे नहीं दे रहे, अंडे में बच्चे नहीं बन रहे, तो भाई ये गोली आप इस्तेमाल करो। भाई मेरा काम बहुत अलग है, मैं जो नुस्खेबाजी जो भी गोली मेडिसिन बताता हूँ ना भाई, रिजल्ट मिलता है मेरे को भी प्लस आपको भी। क्योंकि तो ये जो मैं गोली का नाम आपको बताऊँगा, आप मेडिकल पर जाना आपको आराम से मिल जाएगी। अब ऐसे आप मेडिकल पर जाओगे उसको बोलेंगे कि मेरे कबूतर में ये प्रॉब्लम हो रही है आप दे दो, वो मेडिकल वाला आपको कुछ ही उठा के दे देगा, कुछ ही उठा के दे देगा। क्यों देगा? कि वो तो बेचना है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो जो भी आपको उसके पास है वो आपको दे देगा। भाई मैं क्या करता हूँ, वही प्रैक्टिकली पहले इस्तेमाल करता हूँ, इस्तेमाल करने के बाद भाई फिर मैं ढेर वीडियो बना लेता हूँ कि भाई मेरे को फ़ायदा लग रहा है, फ़ायदा मेरे को हर बार मिल रहा है। भाई मैं तो वीडियो बनाऊँगा यार, रिजल्ट तो मिल रहा था भाई, वीडियो तो भाई बनना चाहिए। अभी मैं अपने कबूतर को खोल दिया हूँ। ये जो आप कबूतर नीचे खुले देख रहे हो ना, ये सबके पास अंडे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भाई दो अंडे हैं और है इसके पास भाई बच्चा है। अब यहाँ से हम यहाँ चलते हैं और भाई इसके पास देखो एक बच्चा है और ये जो कबूतरी है भाई अंडे पे बैठी हुई है। देखो ये दो अंडे है इसके पास भी है ना, थोड़ी कबूतरी गुस्सा कर रही है कि मेरे को मत छेड़ो। और इधर देखो तो भाई ये बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ चले तो भाई इसके पास भी दो अंडे देख लो आप। ये दो अंडे इसके पास है। अब ऊपर चले तो भाई इसके पास एक बच्चा है देख लो, ये बच्चे पे बैठा हुआ है। ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा हम इसको छेड़ रहे है ना, थोड़ा हम इसलिए परेशान कर रहे हैं। देख लो भाई ये अंडे आपको दिखे, इस कबूतर के पास भी भाई दो अंडे। अब यहाँ से नीचे चले तो माशाल्लाह भाई ये देखो इसके पास भी दो अंडे। ये नर थोड़ा गुस्सा कर रहा है कि हाथ मत डाल बेटा अंदर। और इधर चले भाई ये कबूतरी बैठी है अंडे पे, इसके पास भी भाई दो अंडे देखो, ये दो अंडे भाई। और यहाँ चले भाई ये दो बच्चे बैठे हुए, ये दो बच्चे बैठे हुए। और फिर इसके बाद चले नीचे तो भाई देख लो ये दो अंडे हैं यहाँ पर। ये कबूतर को मैंने खोला हूँ तो सब दाना पानी खाने के लिए नीचे उतरे और इसके पास भी भाई दो अंडे। और यहाँ चले तो भाई अंडों का स्टॉक है देख लो, ये अंडों का स्टॉक है। यानी कबूतर भाई इतने ज़्यादा अंडे दे देते हैं कि मेरे को अंडे हटाना पड़ता है। देख लो ये अंडों का स्टॉक देख लो भाई, ये दो अंडे है, के तीन है, एक चार है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये अंडों का स्टॉक भाई इसलिए हो चुका है, जब कबूतर बच्चा भाई 10 दिन का 15 दिन का रहता ना तो भाई कबूतरी फिर से अंडे दे देती है, तो मेरे को अंडे हटाना पड़ता है फिर। कि यार बच्चे छोटे हैं और कभी कबूतरी अंडे सेक रही है तो बच्चे को भी दाना पानी वो नहीं खिलाते, वो नखरा करते, तो उस कारण नुकसान ये हो जाता है कि जो बच्चा होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है, ये बच्चा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं अंडे को हटा देता हूँ। और ये अंडे भाई काम के है, ये अंडे मेरे फेंकने के नहीं है, ये अंडे भी काम के है, इसके ऊपर भी भाई वीडियो बनेगी। और ये मैं किसको दूंगा, अंडे बच्चे वाले को ही दूंगा। वो किस तरीके से दूंगा गाइस, मैं वीडियो बनाऊंगा भाई इसके ऊपर। तो रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो आप देखा करो, जरा सी वीडियो भाई इग्नोर मत करा करो, क्योंकि मेरी क्या है कब कौन सी वीडियो में आप यूज़ करने से आपको फ़ायदा मिल जाए आप खुद देख लो भाई, अंडों का स्टॉक है। तो भाई आपने देखे मेरे पास जितने भी जोड़े हैं सब कबूतर के पास अंडे हैं और बच्चे हैं। किसके वजह से भाई? ये सिर्फ गोली के वजह से, क्योंकि ये गोली इस्तेमाल करने से जो कबूतरी अंडे से बंद है उसको भी फ़ायदा मिलता है, जो कबूतरी अंडे बाकायदा देती है उसको तो ज़्यादा फायदा मिलता है।
क्योंकि वो भाई अंडे देती है ना, तो उसमें भाई जरूरत है ये मेडिसिन की। अब आप सोच रहे हो कि यार वसीम भाई फटाफट नाम बता दो यार इसका, आप भाई नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर नाम देख लीजिए, कैल्शियम विटामिन डी 3 टैबलेट है ये। इसका मैं फ़ोटो भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर दिया भाई मैंने, आप अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 500 mg की आपको लेके आना है, कैल्शियम विटामिन डी 3 500 mg का पत्ता लेके आना है। ये 100 रुपये का पत्ता आएगा, 100 रुपये के आसपास पत्ता आएगा भाई। भाई आपको इस गोले के 6 टुकड़े करना है, तो ये देखिए मैंने इस गोली के 6 टुकड़े कर लिया मैंने। इस तरीके से आपको एक टेबलेट के 6 टुकड़े करना है, और मैं आपको देख के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कबूतर को देख के छोड़ देना है। इसमें हम रखते हैं गोली भाई। ये देखिए मैंने आपको ये लाया कबूतर दिखाने के लिए, और मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ कि कभी भी अंडे वाले कबूतर को हल्के हाथ से पकड़ना है, ताकत से नहीं पकड़ना है। अभी जो मैंने पकड़ा हूँ एकदम भाई हल्के हाथ से मैंने पकड़ा हूँ। क्या होता है कि मान लो कबूतरी अंडे पे और आपने ताकत से पकड़ लिया उसको, तो भाई अंदर ही अंडे फूट जाते हैं। और कभी अंदर ही एक बार अंडे फूट गए पेट के अंदर भाई, फिर वो कबूतरी अंडे यार फिर वो अंडे से रुक जाती है, फिर वो कभी अंडे नहीं देती है। या एक अंडे देंगी, या दो अंडे देंगी, या फिर अंडे देना बंद कर देंगी। तो कभी भी आपको ताकत से नहीं पकड़ना है, नहीं तो कितनी भी भाई मेडिसिन दे दो, कितना भी आप इलाज कर लो भाई, वो अंडे नहीं देंगी वो। तो मैं जो ये आपको तरीका बता रहा हूँ भाई, ये तरीका आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये बस इलाज बताएगा। तो ये बात आपको समझना है, कबूतर को हल्के हाथ से पकड़ना है, ताकत से नहीं पकड़ना है। ये सिर्फ कबूतरी के लिए बता रहा हूँ, मादी के लिए। नर को आप कैसे भी पकड़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये कैल्शियम की देखो ये गोली मैंने 6 टुकड़े करा था। आपको हल्के हाथ से कबूतर को यहाँ दबाना है, और इस तरीके से चोंच खोलना है, और ये मुंह में गोली छोड़ देना है। देखिए बस गोली भाई इसके मुंह में दे देना है, और उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में पानी का डब्बा भाई इसके सामने रख देना कि वो अपने मन से पानी पी ले। उसको देने का तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ, एक गोली इसको दे देना है, और ये आपको रोज़ देना है, डेली। यानी कब तक के देना है, 30 दिन तक के देना है कंटिन्यू, जब तक कि वो कबूतरी अंडे नहीं दे दे। अंडे देने के बाद में फिर आप रोक देना, बिल्कुल रोक देना। जहाँ आपको लग रहा है कि यार इस कबूतरी को एक गोली देना चाहिए, तो आप स्टार्ट कर देना है। इससे कुछ भी नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा आपको। भाई ये जो गोली है ना भाई, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि भाई हमारे जोड़ वाले कबूतर, हमारे ये पालतू कबूतर है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो भाई बाहर से कोई हवा तो नहीं आएंगी इसका ख्याल रखने के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पालतू कबूतर है, हमको ही ख्याल रखना होगा, कोई बाहर वाला बंदा ख्याल नहीं रखेगा। इसको आपको रोज़ देना है, 30 दिन तक के देना है, दिन में एक बार। वो कबूतरी को हल्के हाथ से ही पकड़ना है, और नर को भाई, नर को भी देना है, कबूतरी के अलावा नर को भी देना है। और जो कबूतरी अंडे से बंद है, अंडे में बच्चा नहीं बन रहा है, उसको तो ये कंटिन्यू दो। सादे कबूतर पहले से गैप हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अंडे में बच्चा नहीं बन रहा है, उसको आपको ये रेगुलर देना है, बंद नहीं करना है, रेगुलर देना भाई। इंशाल्लाह भाई वो 30 दिन के बाद आप खुद देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बात मैं आपको और बताऊँ, गोली के अलावा एक दाना ऐसा आता है कि वो दाना भी आप कबूतर को दोगे ना, तो डबल फ़ायदा मिलेगा।